दोस्तों आज एक बार फिर से एक ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि रेनॉल्ट कंपनी की तरह ही इस कंपनी के ऊपर भी बम फेंक कर कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। और काफी संघर्ष और मेहनत करने के बाद आज ये कंपनी एक नहीं बल्कि 11 से ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस को कर रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी हिटाची के बारे में, जिसके होम अप्लायंस, प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनर और स्केलेटर जैसे प्रोडक्ट पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। और शायद आप भी हिटाची के नाम से काफी वाकिफ होंगे। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों हिटाची की सक्सेस स्टोरी के बारे में। दोस्तों कहानी शुरू होती है जब नेमेई ओडिरा का जन्म 15 जनवरी 1874 को जापान के कैपिटल टोक्यो से 100 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एज इलेक्ट्रिक इंजीनियर टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट किया। और स्टडी कम्प्लीट होने के बाद वो नौकरी करने के लिए एक माइनिंग कंपनी के पावर प्लांट में एज इंजीनियर काम करने लगे। फिर वहां से उन्होंने ऐसे बहुत सारे माइनिंग कंपनी में काम किया, लेकिन वो कुछ बड़ा और अपना करना चाहते थे। लेकिन कोई रास्ता ना होने की वजह से उन्होंने फिर से 1906 में एक कुहारा माइनिंग कंपनी में एज ए इंजीनियर के तौर पे काम करने लगे। और वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन किया करते थे और इलेक्ट्रिसिटी को स्टेबल फॉर्म में सप्लाई किया करते थे। लेकिन फिर भी ओडेरा ये सब काम अपने दिल से नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें कुछ नया करने की चाह थी। और ओडेरा जहाँ पे काम किया करते थे वो एक माइनिंग कंपनी थी, मतलब कि जमीन को खोद कर किसी भी टाइप के पावर को निकालना, इस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। और इसी वजह से ओडेरा ने ये ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे चीजों को भी निकालने के लिए जमीन को खोदने पड़ते थे, क्योंकि ये काम काफी मुश्किल साबित होती थी। जिस वजह से इन्हीं सभी चीजों को ऑब्जर्व करके वो अपने कंपनी के 3-4 मेंबर को साथ लेकर, मतलब कि जहाँ वो काम किया करते थे वहाँ के 3-4 लोगों के साथ वो एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। और ओडेरा ने 5 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक मोटर को मैन्युफैक्चर किया। और हिस्ट्री के हिसाब से ओडेरा का 5 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर सभी माइनिंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का कारण था, क्योंकि ओडेरा का मैन्युफैक्चर किया हुआ इलेक्ट्रिक मोटर सभी कंपनी के लिए काफी यूजफुल था। और उसकी मदद से सभी माइनिंग कंपनियों के लाखों पैसे बच सकते थे, जिस वजह से ओडेरा को यह एहसास हुआ कि अब वो खुद की कंपनी खोल सकते हैं। जिस वजह से उन्होंने 1910 में जापानीज लोगो सिस्टम को यूज करके ही और टाची की मदद से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम हिटाची रखा, जो कि ही का मतलब सन था और टाची का मतलब राइस। लेकिन ओडेरा ने सिर्फ हिटाची कंपनी को अपने नाम करवाया था, लेकिन वो कुहारा माइनिंग कंपनी में ही काम किया करते थे। और अब ओडेरा की कंपनी 60-8 साल के अंदर काफी अच्छे चलने लगी। तो उन्होंने ये देखते हुए जहाँ वो काम किया करते थे कुहारा माइनिंग कंपनी को छोड़ दिए और अपनी कंपनी हिटाची को 1920 में एक इंडिपेंडेंट कंपनी बना दिए। मतलब कि अब उन्हें जो भी करना था उन्हें हिटाची के लिए और हिटाची की मदद से करना था। और वो अपनी कंपनी को शुरुआती दिनों से ही काफी अच्छे से चलाते थे और समय के साथ साथ उनकी कंपनी काफी अच्छी खासी ग्रो होती जा रही थी। और यहाँ तक कि बहुत ढेर सारे शहर में उनकी कंपनी की फैक्ट्री भी सेटअप हो गई। और जब उनकी कंपनी काफी अच्छी खासी चल रही थी तो उसी समय वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, जिस वजह से अमेरिका जापान के ऊपर हावी हो गई, जिस वजह से अमेरिकन आर्मी उनके देश को बर्बाद करना शुरू कर दी। और क्योंकि हिटाची अपने देश में काफी फेमस कंपनी थी, इसलिए अमेरिकन आर्मी ने हिटाची के फैक्ट्री को बर्बाद कर देने का फैसला लिया और बम पटक के कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और यहाँ तक कि ओडेरा को उनके हाथ से उनकी कंपनी भी छीन लिया गया। और अब ओडेरा की लाइफ, उनकी कंपनी, फैक्ट्री सब कुछ बुरी तरह से नष्ट हो गई थी। और लेकिन फिर भी ओडेरा ने हार नहीं माना और बस कैसे ना कैसे करके अमेरिका को मनवा लिया और उनको अमेरिका की तरफ से सिर्फ 19 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का मौका मिला। और उन्होंने अलग अलग जगह अपने प्लांट को सेटअप किया, लेकिन कंपनी की इमेज जो पहले थी वो अब नहीं रह गई थी। अवार्ड वार्ड के वजह से उनके सब नौकर और मजदूर हड़ताल पे चल गए थे और कंपनी बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गई थी। लेकिन उस टाइम कोरियन वॉर शुरू हो गई थी, जिसमें कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच युद्ध शुरू हो जाती है, जिस वजह से सबका टेंशन जापान से बिल्कुल हट जाता है और जापान देश में काफी शांति हो जाती है और सब समस्याएं सही हो जाती है। और धीरे धीरे हिटाची के सब लेबर वापस कंपनी में काम करने लग जाते हैं। और हम मानिए तो ऐसा कि ओडेरा अपने कंपनी के लिए रॉकेट जैसे काम करना शुरू कर दिए हैं। और जापान के साथ साथ उन्होंने अपनी कंपनी हिटाची को 1956 में अमेरिका में भी इस्टेब्लिश किए हैं और 1982 में हिटाची को यूरोप में भी इस्टेब्लिश किया गया। और ऐसे ही धीरे धीरे हिटाची हर एक देश में इस्टेब्लिश होती गई और कंपनी के ग्रोथ की वजह से टोशिबा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भी हिटाची के साथ पार्टनरशिप कर ली। और आज हिटाची LG, आसूस, सैमसंग जैसे बड़े बड़े कंपनी में से एक है।
और इसी के साथ अगर आपको जानना है कि अमेरिका और जापान के बीच कैसे संबंध रही है तो आप इस आई कार्ड पे टच करके पहले वीडियो को टच करके देख सकते हैं, या तो वो वीडियो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे दिख रही है, आप यहाँ से टच करके देख सकते हैं।